की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी कॉलेज फीस के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईआईटी कॉलेज की फीस कितनी होती है, आपको सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है तब आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे आईआईटी में पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मैं आपको जो तरीके बताऊंगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, आईआईटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम पूरे देश में बात करें, इंडिया में अभी के टाइम में टोटल 23 आईआईटी कॉलेज है। कुछ टाइम पहले तक ये 16 आईआईटी कॉलेज थे, लेकिन अब इसे बढ़ा के 23 कर दिया गया है। अगर हम टॉप 3 आईआईटी कॉलेज की बात करें तो दोस्तों वो है आईआईटी मद्रास जो कि फर्स्ट रैंक पे है, आईआईटी दिल्ली जो कि सेकेंड रैंक पे है, और आईआईटी बॉम्बे जो कि थर्ड रैंक पे है। जो आईआईटी का कोर्स होता है दोस्तों, ये टोटल 4 साल का कोर्स होता है और उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इसी तरीके से जो कोर्स 4 साल का होता है उसमें आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। जो आपकी फीस लगती है वो पर सेमेस्टर वाइज होती है, यानी कि आपको साल में 2 बार फीस देनी पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको फीस के बारे में सारी जानकारी दूंगा, टोटल फीस बताऊंगा, और उसके बाद फीस बताने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, आपके घर में उतने पैसे नहीं, आपको थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, तब आप किस तरीके से आईआईटी की पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस के बारे में। दोस्तों मैं आपको टॉप 3 आईआईटी कॉलेज की फीस के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितनी फीस होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ आईआईटी मद्रास के बारे में, जो कि नंबर 1 आईआईटी कॉलेज है। दोस्तों जो इसकी फीस है पर सेमेस्टर की, ये है 1,12,663 रुपये। मेरे दोस्तों आप फीस सुन के बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको वीडियो क्लास में एक बहुत ही अच्छा तरीके मैं बताऊँगा। तो जो फर्स्ट रैंक पे है, यानी कि जो आईआईटी मद्रास है, इसकी जो फीस है पर सेमेस्टर वो है 1,12,000 रुपये। जो सेकेंड रैंक पे आईआईटी कॉलेज यानी कि आईआईटी दिल्ली, जो इसकी फीस है वो 1,03,000 रुपये है पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड रैंक पे है यानी कि आईआईटी बॉम्बे, जो इसकी फीस है दोस्तों ये है 1,19,350 रुपये। ये पर सेमेस्टर की फीस है। अगर हम इसकी टोटल फीस की बात करें, यानी कि पूरे कोर्सेज की फीस की बात करें, तो जो आईआईटी मद्रास है उसके पूरे कोर्स में आपकी जो खर्च आएगी वो 8,00,000 रुपए की आएगी। और अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो जो इसमें आपको पूरे कोर्स की जो फीस आएगी वो आपको 9,50,000 रुपए की आएगी, और आईआईटी दिल्ली के जो पूरे कोर्स की फीस आएगी वो आपको आएगी 8,50,000 रुपए। दोस्तों इसमें आपका सारा कुछ इंक्लूड है, जैसे कि आपकी हॉस्टल फीस हो गई, आपकी जो पूरे फीस हो गई, एग्जामिनेशन फीस हो गई, वहाँ पे जो आपकी मेस फीस हो गई, मतलब कि A to Z सारी तरह की फीस आपकी इंक्लूड है। ये तो मैंने बताया टॉप 3 आईआईटी कॉलेज की बात, लेकिन अगर हम पूरे आईआईटी कॉलेज की बात करें, यानी कि जो पूरे 23 के 23 आईआईटी कॉलेज है, तो उसमें आपको कम से कम जो आपकी टोटल फीस है वो 8,00,000 रुपये है, यानी कि 4 साल में आपको 8,00,000 रुपये देने पड़ेंगे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस है वो 10,00,000 रुपये, यानी कि 8 से 10,00,000 रुपये के बीच आपकी फीस होती है एक आईआईटी कॉलेज की। अब हम बात कर लेते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, आपको फीस की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपका जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जो आपका सबसे बड़ा टारगेट है, वो आपका क्वालिफाई करना, यानी कि JEE एडवांस अगर आपने क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब पैसे की फिक्र तो बिल्कुल छोड़ ही दो, आपको बस एक काम करना है, आपको बस क्वालिफाई करना है, JEE एडवांस आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप चाहे कितने भी गरीब परिवार से हो, कितने भी अमीर परिवार से हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं, देखो अब 10,00,000 रुपये है, अब सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक तरीका है और वो है एजुकेशन लोन। अब आप सोचोगे एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, ये तो सबको नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई आप बिल्कुल गलत हो, आपको एजुकेशन लोन मिलेगा और बिना किसी परेशानी के मिलेगा। अगर आपने JEE एडवांस क्वालिफाई कर लिया है तो जो उसका रिजल्ट है वो आप लेके जाओगे बैंक में, और उसके साथ आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको बस अपना एक आधार कार्ड चाहिए, आपकी जो रिजल्ट है वो चाहिए, आपका रिपोर्ट कार्ड चाहिए, बस यही 2-4 चीज़ चाहिए और आपको बहुत ईजिली लोन मिल जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर पहले ही से बैंक वाले रहते हैं, वो आपको लोन देने के लिए ऑलरेडी तैयार है। वो कहते हैं
कि भाई मेरे यहाँ से लोन ले लीजिए, मेरे यहाँ से लोन पास करा लीजिए, मेरे यहाँ से लोन पास करा लीजिए, तो आपको लोन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। आप बस आपको काम करना है, आपको बस क्वालिफाई करना है, बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको आगे की पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक बात जो कि आपके दिमाग में आ रही होगी, अब 10 लाख लोन लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? तो देखो भाई, अब चुकाओगे कैसे, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने जेई एडवांस क्वालिफाई किया, तो ये तो कोई मजाक की बात है नहीं। आप ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छे हो, तो क्या होगा, जब आपकी 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो आपकी सैलरी मिलेगी, जो उसका पैकेज होगा, मैं ऑलरेडी एक सैलरी पे सोच रहा हूँ कि वीडियो बना दूँ। तो अगर मैं आप चाहते हो कि मैं सैलरी के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद आपको कितना पैकेज मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ वीडियो बना दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, उसके बाद जो आपकी पैकेज होगी उससे फिर आपका लोन का मतलब कि आप उस लोन को चुका दोगे, और आपने एक बार पढ़ाई कर ली आईआईटी से, तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे। हाँ, बस इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, तभी तो उस लोन को चुका पाओगे। तो बस दोस्तों, आपको बस आपके मार्ग में, आपके रास्ते में जो पत्थर है, वो बस जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपके लिए रास्ता समझो कि पूरा साफ हो जाएगा। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या मैं वो वीडियो बना दूँ। अगर आप चाहते हैं तो हाँ वीडियो बना दो, ये चीज़ कमेंट करके लिखिए, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। और उसके साथ साथ आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।